आप सभी का बहुत 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 स्वागत है अन्नपूर्णा किचन में। कभी कभी होता है कि हमें चपाती बनाने का मन नहीं करता है, तो आज हम आपके लिए लाए हैं कॉम्बो रेसिपी राजमा चावल। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर, और नीचे घंटी का बटन आ जाएगा उसको क्लिक करें, जिससे कि मेरी नई नई रेसिपी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। राजमा बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये एक कटोरी राजमा लिया है, जिसको हमने 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था। रात भर के लिए भिगो देंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आपको जल्दी है तो इसको गर्म पानी में भिगो के रख दें। एक प्याज लिए जिसकी हम कटिंग करेंगे, इसको पेस्ट नहीं बनाएंगे। आप एक बार इसको ऐसे बना के देखें प्याज में, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है राजमे का। 2-3 हरी मिर्च हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं दो लौंग हैं, एक बड़ी इलायची और 2 तेज़पत्ते, 2 टमाटर की प्यूरी हमने बना ली है मिक्सर में, महीन पीसने टमाटर को लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप टमाटर की प्यूरी बनाते टाइम उसमें 4-5 लहसुन की कलियाँ और अदरक डाल सकते हैं छोटा सा टुकड़ा। मसाले में धनिया पाउडर है 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, और यह हमने लाल मिर्च ली है पाउडर 2 चम्मच, अपने टेस्ट के अनुसार रखें। 1 चम्मच जीरा लिया है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार, और ऑयल हमें सब्जी बनाने के लिए। अब एक कुकर ले लेंगे, उसमें ये सारे राजमा डाल देंगे। राजमा अच्छे से गल गए हैं, आप हाथ से तोड़ के देख लें, वो अच्छे से निकल जाएंगे। हमने 1 कटोरी राजमा लिए थे, उसमें ये 2 कटोरी पानी, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम, थोड़ा सा नमक बाद में भी डालेंगे इसलिए। ये इलायची बड़ी वाली तोड़ ली है, और ये 2 लौंग, ये दालचीनी के टुकड़े और 2 तेज़पत्ते। अब इसमें हम कम से कम 4-5 सीटी लगाएंगे। राजमा उबल रहे हैं, जब तक एक कढ़ाई में हम तेल डालकर ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तेल गर्म होना चाहिए अच्छे से। ये हमने 2 चम्मच तेल लिया है, उसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से तड़कने दें। जीरा हो गया है, इसी में हम डाल देंगे प्याज। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट बना सकते हैं मिक्सर में, पर इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब प्याज को अच्छे से भूनेंगे। प्याज भून रही है, उसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट, आपके पास ना हो तो आप लहसुन और अदरक खड़ी जो टमाटर का पेस्ट बनाया था उसमें डाल के पीस लें। अच्छे से भून लेंगे हम। प्याज भून गई है, इसी में हम सबसे पहले मसाले डालेंगे। ये सबसे पहले इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर। गैस को कम कर लें, मिर्च पाउडर जलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो काली पड़ जाएगी ये। इसी में जाएगा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, इनको भून लेंगे अच्छे से। मसाला अच्छे से भून रहा है, इसी में ये टमाटर की प्यूरी अच्छे से मिला देंगे। इसको ढक कर पकाएंगे हम कम से कम 4-5 मिनट, इसको ढक देंगे। मसाला चेक कर लेते हैं, मसाला अच्छे से सीधे। अभी हमने इसमें गरम मसाला नहीं डाला, वो हम लास्ट में डालेंगे, जिससे उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा, खुशबू भी अच्छी आएगी। अब इस टाइम पर हम इसमें राजमा डाल देंगे जो अच्छे से उबल गए हैं। हमने निकाल लिए हैं राजमा, ये राजमा डाल दिए हमने, इसको अच्छे से मिलाए राजमा को। अब इसी टाइम पर हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार रखें, बहुत ही डिलीशियस बनती है ये सब्जी। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करें, और बिना सब्सक्राइब करें ना जाएं। इसी में पानी डाल देंगे, पानी आप अपने हिसाब से, जैसे भी आपको इसको पतली या गाढ़ी रखनी है सब्जी को, उस हिसाब से रखें। आप ढककर 5 मिनट पकाएंगे। मिक्स कर लेते हैं, 5 मिनट हो गए हैं, सब्जी ऑलमोस्ट तैयार है। लास्ट में इसमें गरम मसाला और हरी मिर्च, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो हरी मिर्च ना डालें, मिला देंगे।
सब्जी बनके एकदम तैयार है, इतनी अच्छी लग रही है। और इसको 2 मिनट ढक दें गैस बंद करके, तो अपने आप ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। ये राजमा ऑलमोस्ट देखिए रेडी हो गए हैं और ये कितने अच्छे दिख रहे हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी। इस टाइम पे आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच शुद्ध घी डाल सकते हैं, घी को मिला दें क्योंकि अभी गरम गरम है। घी डालने से इसका एक लेवल अप हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगेंगे राजमा। देखिए मैं आपको बताती हूँ, राजमा के साथ में हमने जीरा राइस बनाया, उसके लिए जो जो चाहिए वो इस तरह है। हमने 1 कटोरी चावल लिए हैं, चावल को हमने अच्छे से धो लिया है। चावल को आप जितने अच्छे से धोएंगे उतने ही वह खिले खिले बनेंगे। ये हमने धोकर 5 मिनट के लिए ना गलने रख दिए थे। 2 चम्मच घी चाहिए और 2 चम्मच ही जीरा चाहिए। अब एक कुकर में 2 चम्मच हम घी डालेंगे, घी को अच्छे से गर्म होने दें। घी गरम हो चुका है, इसमें ये जीरा 2 चम्मच, जीरे को इसमें जीरा राइस में अच्छे से तड़क देंगे जब तक कि जीरा अच्छे से सिख ना जाए, जब तक जीरे को भूनेंगे। जीरा हो गया है, अब ये चावल, अभी हमने पानी नहीं डाला है क्योंकि चावल को भी थोड़ी देर में पहले भून लेंगे। चावल को अच्छे से भून लें पहले, एक में चावल भून गए हैं। अब जिस कटोरी से हमने चावल लिए थे उसी कटोरी से हम पानी रखेंगे। 1 कटोरी चावल लिए थे तो हम इसमें 1.5 कटोरी पानी डालेंगे, 1 कटोरी और ये 1/2 कटोरी। अब थोड़ा सा नमक डालेंगे, सामग्री में नमक बताना भूल गए थे, थोड़ा सा नमक 1/2 टीस्पून छोटी वाली चम्मच से इनको अच्छे से मिला देंगे और 2 से 3 सीटी लेंगे। चावल तो हो चुके हैं, प्रेशर भी निकल गया है कुकर का, इसके बाद में हम कुकर खोल लेंगे। चावल बनके एकदम तैयार हैं, कितने अच्छे बने हैं, एक एक दाना खिला खिला है। चावल भी तैयार हैं, राजमा भी तैयार है, अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये हमारे राजमा चावल बनके एकदम तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।